चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। गन्ने का भाग ही इलेक्शन में गन्ने के भाग ही भी कहा था 400 रुपये क्विंटल देंगे और 14 दिन में पेमेंट कहा था। ये बोल रहे थे, बोला कि भाई यूपी में 17% बेरोजगार थे लेकिन अब 4% कर दिए। हमें तो लग रहा पहले 17% थे तो अब 70% कर दिए। और बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, बल्कि जैसे बंगाल में वो हुआ ना खेला, यहाँ धकेला को बोल के खदेड़ा करेंगे। तो हमें संघर्ष करने की जरूरत, हम समाजवादी लोग आपको गले लगाने हैं। परिवर्तन की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए काफी मदद की। कितना विकास हो रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है। कि मैं संविधान के साथ खड़ा हूँ। नमस्कार साथियों, चलचित्र अभियान में आप सभी का स्वागत है। आज हम शामली विधानसभा सीट के नाला गांव में हैं। आज हम किसानों के बीच बैठे हैं और 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है, तो बात करते हैं कि इस बार किन मुद्दों को लेकर किसान वोट करेगा, सरकार पहली रहेगी या नई कोई सरकार बनाएंगे। यूपी में पिछले 4.5 साल तक एक सरकार है, उसका कैसा अनुभव रहा है आपके साथ? खराब रहा जी, महंगाई की मार बहुत ज़्यादा है, किसान बहुत परेशान है जी, तो बदलनी चाहिए सरकार। खेती में किस तरह का फायदा होता है, मतलब कितनी बचत आपको, जो 4 साल पहले जो बचत होती थी क्या अब भी वही बचत होती है? तो ऐसा कर दिया, जो 20 बीघे का किसान है, 5-7 बीघे की तो छोड़, और जो उसके बाहर बिजली का कनेक्शन है और घरों बिजली का कनेक्शन है उस पर बिल पटेंगे। जो है किसान इतना परेशान हो गया पिछले चुनाव में, जो है इनकी वोट, ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमने सब ने जो है बीजेपी की वोट करा था, तभी तो ये सरकार बनी। परंतु हम इस बार जो है बीजेपी को कोई वोट नहीं करेंगे और बीजेपी को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे, बल्कि जैसे बंगाल में वो हुआ ना खेला, यहाँ धकेला को बोल के खदेड़ा करेंगे। ज़्यादातर वेस्ट यूपी का वोट जो है बीजेपी को गया था, वो किस चीज़ को लेकर उन्होंने वोट किया था? यहाँ की जनता को जो है, जब वे रैली करने आते थे भकाते थे, क्राइम कम कहे थे, अब पहले क्राइम जो है अपराधी करते थे, अब सांसद और एमएलए के बच्चे और सांसद और एमएलए क्राइम करते हैं। 10 सांसद ऐसे हैं बीजेपी सरकार के मंत्री जो है 376 के उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने बीजेपी का पत्ता साफ करेंगे, बस साल तो सरकार बन रही है, लोग तो कोई यहाँ आया नहीं, विधायक क्यों नहीं आते भाई? इलेक्शन के टाइम पर आओ, इलेक्शन के लिए आओ, तुम यहाँ वोट मांगने के लिए आओ। अरे यहाँ आके पूछो, समस्या पूछो, वो भी तो देखो, हम भी तो यहीं रहे, वोट भी तो हमारे पता ही मांगना हो तुम। गरीब का जो भी बीजेपी का यहाँ नेता होगा काम में, वो अपनी जिम्मेदारी पाओगा। सिंगू बॉर्डर पर एक घटना हुई है, एक आदमी को वहाँ पे मार दिया गया था। एक आदमी के भाई साल भरता चल रहा, 700-800 किसान मर गए जी, किसी को जरूरत ही नहीं, कुछ भी नहीं आया। मोदी ना दिखता है, यू अंधा भी है, बहरा भी है, और प्रधानमंत्री भी है नहीं, अडानी अंबानी प्रधानमंत्री है ना, इसकी चलती जो कर वे कहेंगे नो यू करेगा, पूरे देश को बेच देगा यू। सरकार गिरी हुई भी है, बिकी हुई भी है। जिस दिन से आंदोलन हमारा शुरू हुआ था तभी से इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे। कभी इनका विधायक जो है सैकड़ों गुंडे लेके गाजीपुर बॉर्डर पे जाता है, कभी जो है वहाँ जो है सिंह बॉर्डर पे हमारे किसानों की जो है झोंपड़ियों में आग लगवा देते हैं पैसे दे के। अभी जो है ये जो मर्डर हुआ उसमें बीजेपी के नेताओं के, जिस आदमी ने वो मर्डर किया उसके फोटो जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी जो है वायरल हो रहे हैं। उसमें जो है वे जो बीजेपी के नेता हैं उसे जो है सम्मानित करते हुए जिस आदमी ने उसे मारा। मुख्यमंत्री खट्टर ने जो है घोषणा की थी, अगर भाई तुम जो है 100-100 आदमी जो है अपने लठैत तैयार कर लो और इन्हें जो है सबक सिखाओ किसानों को, और तुम जेल चले जाओगे तो बड़े बड़े नेता बन के निकलोगे वहाँ से। पर इन्हें भूल है इस बात की, हमारे किसानों के जो है हमारे ये हौसले को तोड़ नहीं पाएंगे, इन्हें धोखा है कि ये बड़े नेता बन जाएंगे। वे लाठीर गिंडा से जो है हमें कहीं से खरीद के नहीं लाने, तो हमारे कृषि के काम में आने वाली चीज़ हो, दुसंगी जेड़ी फावड़ा खरपाली, ये तो हमारे खेती में काम आने वाले हथियार हो, जो हमने वे उठा लिए तो इस बीजेपी सरकार को भारी पड़ेगी। अभी लखीमपुर खीरी में एक घटना हुई थी, तो उसके बारे में क्या आपको लगता है कि उस तरह? अजी घटना क्या, वो तो क्रूर अपराध किया बीजेपी सरकार के मंत्री के बेटे ने, उसमें तो
मतलब जो है जकजोर कर रख दिया किसान को, किसान की आत्मा जो है रुला कर रख दी सरकार ने, जालिम सरकार ने। और उस घटना का तो जो है आने वाले चुनाव में जो है बीजेपी सरकार को सबक सिखाया जाएगा। सरकार ने अभी की 3 कृषि कानून पास किया है और सरकार कह रही है कि ये लागू अगर हो जाए तो किसानों का बहुत फायदा होगा, क्या किसान इससे खुश है या ना खुश है? किसान इससे भी ना खुश है, किसान की जमीन पर लोन ले सके व्यापारी, तो यू भी कोई तुक नहीं बैठ, किसान की जमीन किसान की व्यापारी उस पर लोन ले सके, उसे कोई अधिकार नहीं कहीं उसका मुकदमा करने का। और एक जमाखोरी अपराध माना जाता, अब उसे छूट है कि वह जमाखोरी कर सके, इतना उस फसल उस चीज का दूना भाव ना हो इतना वो जमाखोरी कर सके, तो इससे भी महंगाई बढ़ेगी। इस बार क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? अजी इस बार लग रहा है कि सरकार तो जानी जानी है जी, और जाने के तरीके मैं बताऊंगा आपको, जाने के तो अपने आप ही जोड़ दे किसान, जैसे मान के चलो 9-10 महीने हो लेकिन मजदूर किसान वहाँ बैठे जी बॉर्डर पे, भाई बिना सरकार बनानी उनका समाधान करो, वे ही तो सरकार बनवाओगे जी, उनका वहाँ समाधान नहीं हो, वे वहाँ तड़पते रह गए, हम यहाँ उनकी सुन सुन का हम भी नहीं इंडिया वोट करने, कोई भी नहीं करने का, एक तो ये सीधी सी बात है, दूसरी बात रही ना सरकार बनाने की, इनकी वो चीज़ ये भूल जा के धार्मिक ठेस पहुँच लगा हुए और सरकार बना लें, जैसे कहीं पर पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम करा दी, बताओ क्या मतलब था हिंदू मुस्लिम का, बना ली सरकार है जी, ये सब खत्म करने के ये जो है बात इनकी, हिंदू मुस्लिम का जी कहीं ये कुछ कर दे कहीं कुछ कर दे, वो तो सब समझ गए बात, इस पर कोई सरकार नहीं बनेगी, सरकार यहाँ गठबंधन की बनेगी, और सब सीधी सी बात है, हम गाँव देहात में रह रहे, अगर हमारे किसान खुशहाल है तो यहाँ के हम मजदूर भी खुशहाल हैं। गन्ने का भाग ही इलेक्शन में गन्ने के भाग ही भी कहा था 400 रुपये क्विंटल देंगे और 14 दिन में पेमेंट कहा था, ना तो भाव है ना वो 14 दिन में पेमेंट है, और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि 14 दिन में पेमेंट होना चाहिए, अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं होता तो उसे ब्याज सहित पेमेंट मिलना चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हमने रिकॉर्ड तोड़ गन्ना भुगतान किया है और पर क्विंटल 25 रुपये बढ़ाए भी है गन्ने को लेकर। हाँ देखो गवर्नमेंट तो कहेगी हमने 25 रुपये बढ़ाए, 25 रुपये बढ़ाए भी हैं, देखो हमारे पड़ोस में हरियाणा सरकार है वहाँ से 35 रुपये हाउस पावर है बिजली का, जो ट्वेल की है बिजली उसका 35 रुपये हाउस पावर है, और हमारे यहाँ 170 रुपये हाउस पावर है, और वहाँ गन्ने का भाव उन्हें घोषित करा 262 रुपये 362 और हमारे यहाँ 350 हुआ। रोजगार की क्या स्थिति है इस सरकार में, किस तरह का रोजगार लोगों को मिला है? इसमें 5 करोड़ युवा होंगे कम से कम, और 4.5 लाख नौकरी दी, बाकी कहाँ जाएंगे, और उनमें तभी हटा दी, बाकी होगी गैल चिमटा थोड़े ही बजाऊंगे, रंडवे माना थोड़े ही हैं यहाँ, प्रदेश में रंडवा मुख्यमंत्री और देश में रंडवा प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहते, जो अपनी लुगाई कुन देख सकता है देश देख देगा, वो देख नहीं सकता। सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कितना उसमें खरा उतर पाई है सरकार अपनी? 2 करोड़ तो जी हर साल का था, हर साल वैकेंसी आओगी योगी सरकार में जी, 2 वैकेंसी आई अब तक, 5 साल पूरे होने वाले हैं, 2 वैकेंसी आई अब तक यूपी पुलिस की, क्यों यहाँ लोकल में ज़्यादातर पुलिस फोर्स की तैयारी करें, तो 2 वैकेंसी अब तक आई, और शिक्षक की भर्ती पड़ी वह लफड़े में पड़ी, वह क्लियर नहीं हुई अब तक, 5 साल हो लिए उसमें इन्होंने 69,000 की कही थी, उसमें 50,000 के भी शपथ पत्र बांटे मिले, तो आर्मी एयरफोर्स और नेवी इनका रिकॉर्ड था 15 दिन में भर्ती क्लियर हो गई, पहले तो पहले ही हो जाती, दिन के दिन लिस्ट लगा देते, एयरफोर्स का पेपर लगभग 8 महीने तक हो रहा, भर्ती का कुछ अता पता नहीं। ये बोल रहे थे बोला कि भाई यूपी में 17% बेरोजगार थे लेकिन अब 4% कर दिए, हमें तो लग रहा पहले 17% थे तो अब 70% कर दिए, क्योंकि रोजगार तो मिल ही नहीं रहा, हम तो यही बैठे सारे। अगर इसी हिसाब से बेरोजगारी रही तो भाई ये जोन से आतंकवादी बतावे ना बढ़ना ही पड़ेगा फिर तो यहाँ। हम अभी शामली विधानसभा सीट के नाला गांव में थे और किसानों के अंदर काफ़ी गुस्सा है और खासकर नौजवानों के अंदर भी, जो उनके यहाँ नौकरी के जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए। जुड़े रहिए चलचित्र अभियान के साथ, धन्यवाद। हेलो।